हाय फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ GoPro की सेटिंग्स जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ कुछ सिनेमैटिक फिल्म शूट करने के लिए एंड आल्सो फॉर व्लॉगिंग हाय दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं प्रवीण आई एम सेलिब्रिटी फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली और uh, मैं अपना जो गोप्रो है बहुत बारी व्लॉगिंग के लिए रेगुलरली यूज़ करता हूं और बहुत सारे आप मेरे एस्पायरिंग जितने भी वीडियोग्राफर्स हैं हमारे इंस्टाग्राम फैमिली पर यूट्यूब पर पूछते रहते हैं सर आप अपनी सेटिंग्स जो हैं क्या यूज़ करते हैं आपकी कई बार यू नो फुटेज हमने देखी है मेरे मेरे कई बार ट्रैवल व्लॉग्स जो होते हैं जिसपे मैं ये कैमरा यूज़ करता हूँ सो मुझे लगा मैं अपनी जो पर्सनल सेटिंग्स हैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ मैं क्या यूज़ करता हूँ कैमरा ऑन करते हैं और कैमरा ऑन करने के बाद हम लोग जाते हैं इसकी सेटिंग में तो so दोस्तों मैंने जो अपनी सेटिंग्स है दो हिस्सों में डिवाइड करी हुई है एक है व्लॉगिंग के लिए जिसके लिए मैंने एक्टिविटी नाम दिया हुआ है पहले मैं आपको एक्टिविटी में जाता हूँ ये दिखाता हूँ कि मैंने इसकी सेटिंग क्या रखी और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड ये मैंने रखी हुई है अपने सिनेमेटिक शॉर्ट्स के लिए लोकेशन शॉर्ट्स के लिए जब मैं शूट करता हूँ तो पहले हम जाते हैं व्लॉगिंग के लिए तो व्लॉगिंग के लिए मैं फोर के जो है फ्रेम साइज मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है और जो लेंथ है हमने इसको रखा हुआ है वाइड सो so, ऑप्शन uh, बहुत अवेलेबल हैं हमारे पास लीनियर है एक्स्ट्रा uh, वाइड है सुपर व्यू है बट यहां पे मैंने इसको वाइड ही रखा हुआ है हाइपर स्मूद ऑन रखा हुआ है स्केड्यूल कैप्चर ऑफ है ड्यूरेशन की नो no लिमिट है एंड ऑल्सो ये टाइमर और ये जूम जो है वन एक्स रखा हुआ है नीचे आते हैं बिट रेट आप इसको रखें हाई बहुत बार होता है लोग इसको स्टैंडर्ड या बीच में रखते हैं बट अगर आप इसको हाई पे रखेंगे वो आपको बेटर रिजल्ट देगा शटर हमने ऑटो रखा हुआ है कंपोजिशन की बात करें मैंने इसको प्लस 0.5 पॉइंट पर रखा है मोस्टली लोग इसको माइनस जीरो पॉइंट पर रखते हैं मैं इसको प्लस जीरो पॉइंट पर रखा हुआ है वाइट बैलेंस मेरा इस पर है ऑटो आई एस और मैक्स में ज़्यादा ग्रेनी फुटेज चाहता नहीं है तो इसलिए मैंने आई 800 तक मैक्स जो है रखा हुआ अब ले जाने पे आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं बट आई थिंक आप चाहेंगे नहीं आपकी फ़ुटेज में ज़्यादा नॉइज़ हो तो एट तक इज़ अ गुड आई जो आप रख सकते हैं शार्पनेस इनिशियली मैं पहले मीडियम यूज़ करता था लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार शार्पनेस शुड भी बड़ी हाई सो ब्लॉगिंग के लिए मैं इसमें हाई जो है शार्पनेस यूज़ करता हूँ कलर आई लव द कलर्स जो गोप्रो देता है आपको बढ़िया लगता है मेरे को एंड विंड uh, जो है ऑटो मैंने रखा उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह बहुत ही बढ़िया काम करता है गोप्रो एंड uh, नीचे शॉर्टकट्स वगैरह मैं ज़्यादा इतना यूज़ नहीं करता हूँ तो ये थे मेरे व्लॉगिंग वाले सेटिंग्स जो मैं यूज़ करता हूँ अब हम चलते हैं सिनेमैटिक शूट करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ इसके लिए मैंने इसको स्टैंडर्ड uh, नाम पर इसको मैंने एडिट करा हुआ है तो जहाँ पर हमें अब ये फ़ाइव के ऑप्शन अवेलेबल है फाइव के शूट करने का टू फिफ्टी फ्रेम्स हंड्रेड फ्रेम्स तो इसको आप फाइव के ट्वेंटी फोर रखेंगे एंड देन वन वी गो बैक ओके ये करने के बाद लेंस मैंने यहाँ पर देखेंगे आप मैंने इसको लीनियर पर रखा हुआ है पहले वाले में हमने वाइट पे रखा हुआ था अब हम इसको लीनियर पे शूट कर रहे हैं ये जो सेटिंग्स हैं आपकी इस पे हाइपर स्मूद ऑन रखना है स्केड्यूल कैप्चर ऑफ ड्यूरेशन नो लिमिट अगेन जो हमने पहले रखी हुई थी मेन है हमारा प्रोटीन में नीचे आके अपने बिट रेट हाई रखना है शटर स्पीड दोस्तों जो मेरा फ्रेम रेट रहता है मेरा चॉइस uh, uh, ये है कि मैं जो शटर है उसका इंटू टू कर देता हूँ जैसे मैं 24 पे अगर हमने 5 के 24 रखा हुआ है तो यहाँ मैंने इसको बाई फोर्टी एट के लिए मैंने इसको शटर को रखा हुआ है दैट्स द थिंग विच आई प्रेफर यूजिंग एंड वाइट बैलेंस ऑटो अगेन आई सो हंड्रेड मिनिमम से आए 800 मैक्स शार्पनेस रखी है हमने हाई कलर अगेन गोप्रो एंड दैट्स अबाउट इट तो दोस्तों ये थी मेरी फेवरेट सेटिंग्स गोप्रो हीरो नाइन की जिससे मैं अपने व्लॉग्स और सिनेमैटिक शॉर्ट्स जो शूट करता हूँ कैसे लगे आपको टिप्स अगर आपकी कोई सेटिंग है नीचे कमेंट में जरूर मैंशन में करना मैं उसको जरूर पढ़ता हूँ और देखता हूँ अगर मैं उसको अपने गोप्रो में यू नो यूज़ करना चाहूँगा हमारी इंस्टा फैमिली हो गई है टू ट्वेंटी वन के लिंक इज राइट हेयर जरूर इसको आज ज्वाइन करिएगा और आ, कैसा लगा वीडियो नीचे लाइक कॉमेंट करके जरूर बताइएगा जाने से पहले सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन थैंक यू बाय